किसान भाइयों, अगर आप लोग मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो आज हम यहाँ पर पांच ऐसी मिर्च की वैरायटी लेकर के आए हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उत्पादन देती हैं। इसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी रहती है यह काफ़ी अच्छी रहती है और उसमें तीखापन कहीं अन्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मार्केट में आप लोगों को उसका रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो वैरायटियाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं, यह अगर आप लोग हरी ताजी मिर्च बेचना चाहते हैं तब भी आप इनको लगा सकते हैं, अगर आप लोग इन मिर्च को सूखा करके बेचना चाहते हैं तब भी आप लोग इन मिर्च की वैरायटियों को लगा सकते हैं। तो वह पांच वैरायटियाँ कौन हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, हम आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर जिन वैरायटियों का हम सिलेक्शन किए हैं उनके तीखापन, उनके उद्देश्य ताज़ा एवं सूखा, इसके साथ ही साथ जो किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इन सब को ध्यान में रख करके किया गया है। तो यह कौन सी पांच वैरायटियां हैं, चलिए हम देखते हैं। जो सबसे पहली हमारी वैरायटी है यह है F1 आर्मर, यह ननहेम्स की आती है। जो इसका रंग होता है यह हरा और गहरा लाल होता है। इसे आप ताज़ी हरी मिर्च के लिए या अगर आप लोग सूखी मिर्च के लिए चाहते हैं तो बेच सकते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है यह आप लोगों को 9 से 10 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलती है। इसका जो तीखापन होता है यह ज़्यादा होता है। इसकी जो पहली तुड़ाई होती है यह आप लोगों को 45 से लेकर के 50 दिन में मिल जाती है। जो दूसरी हमारी वैरायटी है यह है माहिको की नवतेज 319। इसका जो रंग होता है यह हरा होता है, सूखे होने पर यह लाल होता है। इसे आप लोग ताज़ी मिर्च बेचने के लिए या लाल मिर्च सूखा करके बेचने के लिए ले सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है यह 8 से 10 सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसका जो तीखापन होता है यह थोड़ा कम होता है, अगर बोले तो मध्यम तेज होता है। इसकी जो पहली तुड़ाई आप लोगों को मिलती है यह 50 से लेकर के 55 दिन में मिलती है। जो तीसरी वैरायटी है यह है AK-47 एडवांटा की है। इसका जो रंग होता है यह गहरा हरा होता है, वहीं पर सूखे होने पर यह गहरा लाल होता है। और आप लोग इसे हरी ताज़ी मिर्च बेचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या अगर आप लोग चाहें तो इसको भी सूखा करके बेचने में प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है यह 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर होती है। इसमें तीखापन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है और इसकी जो तुड़ाई होती है यह 60 से लेकर के 65 दिन में पहली तुड़ाई आप लोगों को देखने को मिलती है। और वहीं पर जो हमारी चौथी वैरायटी है यह है VNR की सुनिधि। इसका जो रंग होता है यह गहरा हरा होता है, वहीं पर सूखे होने पर गहरा लाल आप लोगों को देखने को मिलता है। इसे आप लोग ताज़ी हरी मिर्च बेचने के लिए या सूखा करके बेचने के लिए प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। जो मिर्च की लंबाई होती है यह आप लोगों को 11 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। वहीं पर जो इसका तीखापन होता है यह ज़्यादा होता है। इसकी पहली तुड़ाई आप लोगों को 50 से लेकर के 55 दिन में देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो हमारी पांचवी वैरायटी है यह है सिजेंटा की अल्मोरा। इसका जो रंग होता है यह हरा होता है, वहीं पर सूखा होने पर इसका रंग जो होता है यह लाल होता है। इसे आप लोग हरी ताज़ी मिर्च या सूखी मिर्च के लिए प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है यह 8 से लेकर के 9 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो तीखापन होता है यह ज़्यादा होता है और इसकी जो पहली तुड़ाई होती है यह 50 से लेकर के 60 दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो किसान भाइयों, यह थी मिर्च की पांच ऐसी वैरायटियां जिनको आप लगा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और साथ में ही आप लोगों को मार्केट में इन मिर्च की वैरायटियों का रेट जो होता है ये थोड़ा अच्छा मिलता है। इसका कारण ये है कि इनके जो आकार होते हैं, इनका जो तीखापन होता है और इनका जो उद्देश्य होता है, अगर आप लोग इन केस जैसे कोई मिर्च हरी ताजी पे रेट कम मिल रहा है तो आप लोग अगर चाहें तो उसे सूखा करके बेचने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन वैरायटियों में से आप किन वैरायटियों की खेती किए हुए हैं या इस बार आप लोग हरी मिर्च की कौन सी वैरायटी की खेती करने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।